144 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को दोस्तों हम अपना अंडर रूट के द्वारा लिखते हैं। इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेने वाले हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके हम अपने प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको अपने प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ता है। तो 2, 3, 5, 7 ये आपकी कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, इसमें हम 2 का भाग दें, आप ऐसे समझ लो 2 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया इसको यहाँ लिखना है 7 और 2 बार। फिर इसमें 2 का भाग दिया कितना, 3 बार और 6 बार चला गया। फिर इसमें 2 का भाग दिया 1 बार और 8 बार चला गया। फिर इसमें 2 का भाग दिया 18 में कितना, 9 बार चला गया। 9 में देखिए आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग दिया कितना, 3 बार। 3 में 3 का भाग दिया आपका 1 बार। हमें क्या चाहिए, इसका रूट वैल्यू चाहिए। करना क्या है, सिंपल है, 2-2 संख्याओं का जोड़ा बना देना है, ठीक है, और प्रत्येक जोड़े में से उस संख्या को 1 बार यहाँ लिखना है। समान संख्या का जोड़ा बनेगा, ध्यान रखें। अब इनका गुणा कर दो, जो आपका वैल्यू निकल कर आया है वही इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है। तो ऐसे है जो हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं।